हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एंड क्लाइंट प्लस। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल को भी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, आप उसमें बेस्ड न्यूमेरिकल को देख लीजिए। लेकिन मैं उस जो है थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, जिसकी वजह से मेरा वीडियो करप्ट हो गया था और कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व को नहीं बता पाया था। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं ट्रांजिशन कर्व की कॉन्सेप्ट क्या थी। तो हम पढ़ते हैं क्या, हम पढ़ते हैं कर्व्स कि जब हाईवे पर जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, व्हीकल को मोड़ना होता है। तो मोड़ के लिए वहाँ पर व्हीकल्स को अपने टर्न करने के लिए वहाँ पर कर्व्स को प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको इस डायरेक्शन में आना है, तो यहाँ पर हम कर्व प्रोवाइड कराएंगे इतने सेक्शन में। हम डायरेक्टली वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर आप देखते हैं ना कर्व कितने तरह के होते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व आपको मिलेगा और वर्टिकल कर्व आपको मिलेगा। हॉरिजॉन्टल जब हम प्लेन टेरेन पे बात करते हैं, नॉर लेवल्ड प्लेन पे बात करते हैं, तो वहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल कर्व देखना होता है। और जब हम हिली टेरेन पे जाते हैं, माउंटेनियस रीजन में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें मिलता है क्या, वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व अपना दो तरह का होता है, क्या, समिट कर्व और वैली कर्व। और यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल कर्व मिल रहा था। हॉरिजॉन्टल कर्व में हम देखेंगे ना कौन कौन से कर्व होते हैं। सिंपल कर्व होता है, सिंपल कर्व होता है। और दूसरे की अगर हम बात करेंगे, दूसरा होता है कंपाउंड कर्व, कंपाउंड कर्व होता है। और तीसरा आप जानते होंगे होता है रिवर्स रिवर्स कर्व, रिवर्स कर्व। और चौथा होता है यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व। ओके, और सिंपल कर्व क्या होता है, जिसकी रेडियस ओवरऑल सेम होती है, ठीक है। और कंपाउंड कर्व जिसमें दो या दो से अधिक रेडियस को लिया जाता है। यहाँ पर R1 मिलेगी और यहाँ पर R3 मिलेगी, यहाँ पर R2 मिलेगी। जिस तरह से रिवर्स कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल कर्व्स इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इधर देखिए सिंपल कर्व आपको मिला है और दूसरी डायरेक्शन इधर भी आपको सिंपल कर्व मिलेगा। इसकी भी रेडियस आपको आर इक्वल टू आर मिलेगी और इसकी भी रेडियस आर इक्वल टू स्मॉल आर मिलेगी। दिस इज द रिवर्स कर्व। और ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं, हमें यहाँ पर दो डिफरेंट लेवल के ग्रेडियंट्स को जोड़ने के लिए ट्रांजिशन कर्व का यूज करना होता है। और क्या कहते हैं कि दो ट्रांजिशन कर्व के बीच में एक सर्कुलर कर्व को बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। दो ट्रांजिशन कर्व के बीच में एक सर्कुलर कर्व को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। ये अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन कर्व के बारे में, सही तरह से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ट्रांजिशन कर्व होता क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व है, ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व है जिसकी रेडियस चेंजेस फ्रॉम ए फाइनाइट रेडियस टू इनफाइनाइट रेडियस। ओके, ट्रांजिशन कर्व टी सी बोल सकते हैं। ट्रांजिशन कर्व प्रिवेंट्स द सडन जर्क, प्रिवेंट्स द सडन जर्क। सडन जर्क को प्रिवेंट करने के लिए ट्रांजिशन कर्व हम बनाते हैं, रोड में देते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिशन कर्व किस तरह से हम देते हैं। एक अपना ये रोड है, ठीक है, और ये आपका सर्कुलर कर्व है। दूसरा आप इधर है, ठीक है। आप इधर से रोड से जाना शुरू करेंगे और आपको मिलना होगा सर्कुलर कर्व में। तब आप क्या करेंगे, बीच में यहाँ पर ये छोटा सा ट्रांजिशन कर्व आपको दिया जाएगा और सर्कुलर कर्व से प्लेन रोड को जोड़ने के लिए, ठीक है, सर्कुलर कर्व से रोड को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व बीच में ये देते हैं, इसे बोलेंगे ट्रांजिशन कर्व। और यहाँ पर भी जो हम देंगे उसे बोलेंगे ट्रांजिशन कर्व। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्कुलर कर्व की आपको रेडियस कुछ ना कुछ फाइनाइट मिलेगी, और जब यहाँ पर रोड की बात करेंगे इसकी रेडियस आपको इनफाइनाइट मिलेगी। जब फाइनाइट रेडियस से इनफाइनाइट रेडियस को हमें मिलाना होता है, तो वहाँ पर हम ट्रांजिशन कर्व का यूज करते हैं। ओके, चलिए हम डिजाइनिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में बात करेंगे। डिजाइनिंग ऑफ द ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, हम ट्रांजिशन कर्व को डिजाइन करने की बात करेंगे। जी, जब हम ट्रांजिशन कर्व को डिजाइन करते हैं तो इसके तीन अप्रोच होते हैं। पहला होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम चेंज करने की बात कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन dA/dt की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे के, और एक्सेलरेशन की यूनिट हम जानते हैं क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर dt मतलब टाइम हमें फिर से मिल रहा है, तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। तो इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड की। उसकी जो वैल्यू है
वो वैरी करती है 0.5 से लेकर के 0.8 तक। और क्या होता है, और हम इसकी वैल्यू अगर ये नहीं दे रखी है तो हम कितनी कैलकुल तो हम कितनी कंसीडर करते हैं इसकी वैल्यू लेते हैं इस फार्मूले से 80/75+V। अब देखिए हम इसके के थ्रू क्या निकालने में, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फार्मूला क्या होगा, BQ/R×K। ठीक है, BQ/R×K, यहाँ पर B जो है हमें लेना चाहिए मीटर पर सेकंड में, लेकिन अगर हम KMPH में लेंगे तो 0.0214 BQ/R के हमें यहाँ पर लिखना होगा, इट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ओके, अब आप देख सकते हैं, अब हम नेक्स्ट अपना अप्रोच क्या होता है, यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अप्रोच होता है इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है, यहाँ पर हम सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके थ्रू और उसकी कॉन्सेप्ट से हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व यहाँ पर फार्मूला होता है E(n)W+WE। यहाँ पर जो W होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है, और यहाँ पर जो W होता है उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ व्हील बेस। लेंथ ऑफ व्हील बेस आप ले सकते हैं, या फिर आप इसको ये देख सकते हैं पेमेंट ब्रेथ भी ले सकते हैं, लेंथ ऑफ व्हील बेस में से आप इसको लीजिए। और देखिए ये फार्मूला तब लगेगा, ये फार्मूला तब लगेगा EN(W+WE), ये फार्मूला आपका तब लगेगा जब पेवमेंट रोटेटेड अबाउट द इनर एज, पेवमेंट रोटेटेड अबाउट इनर एज, अबाउट इनर एज। अब देखिए दूसरा फार्मूला आपको मिलेगा EN(W+WE), और क्या हो सकता है यहाँ पर Y2, ये तब लगेगा जब पेवमेंट रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन यहाँ पर ये जो है ना दो भाग में, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है सेंटर लाइन के थ्रू अगर हम जाते हैं। और देखिए तीसरा हमको ये मिलेगा, तीसरा हमको फार्मूला मिलने वाला है जिसके थ्रू हम करेंगे ट्रांजिशन कर्व के डिज़ाइन, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे। तीसरा फार्मूला हमें मिलेगा एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है माउंटेनियस और रोलिंग और प्लेन टर्न के लिए डिफरेंट डिफरेंट। देखिए एम्पिरिकल फार्मूलाज देखिए, अब यहाँ पर हमें फार्मूला मिलेगा पहले रोलिंग और प्लेन टर्न के लिए, रोलिंग और प्लेन टर्न के लिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फार्मूला आपको मिलता है 2.7 B² / R, B² / R। और हम दूसरा बात करते हैं हिली टेरेन या माउंटेनियस रीजन के लिए, वो होता है B² / R। ओके, आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, हमने जो जितने फार्मूलाज की बात करी है, हमने ये जो है फार्मूला यहाँ पर लिया है एम्पिरिकल फार्मूलाज होते हैं ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं तो आप ये सारे फार्मूला अप्लाई करके वहाँ से देखेंगे कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कौन सी होगी, जो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन B(2.0.0214 BQ/R) से आपने जो वैल्यू निकाली है, यहाँ से अपने EN(W+WE)/2 या फिर EN(W+WE) यहाँ से आपने जो भी वैल्यू निकाली है वो। अब फिर तीसरा आपको देखो B² / R या फिर 2.7 B² / R, इन तीनों फार्मूले में से जो भी आपने वैल्यू निकाली है जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ये अपने स्टेप्स थी जिसके थ्रू हम ट्रांजिशन कर्व को डिज़ाइन करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।